जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन हमेशा ही सही चर्चाओं में रहते हैं अपने लुक्स अपने स्टाइल को लेकर। लेकिन बीते कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चाओं में, जहां पर उनकी तलाक की खबरें भी हैं, T20 वर्ल्ड कप के लेकर अगर इंडिया के स्क्वाड की बात हो तो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो शिखर धवन के हर बुरे हालात में जो हर कदम पर साथ दिया, जब शिखर धवन कुछ भी नहीं थे तब भी, जब शिखर धवन बहुत कुछ हैं तब भी, तो वो थी उनकी माँ। ये बात हम नहीं बल्कि खुद शिखर धवन ने अपनी हालिया सोशल मीडिया के वीडियो के जरिए बताया दोस्तों, किस प्रकार से भले वो एक ब्रांड का प्रमोशन हो लेकिन उसमें जो बातें उन्होंने अपनी माँ के लिए कही वो दिल को छू लेने वाली थी। उन्होंने कहा कि मैच से पहले, मैच खत्म होने के बाद मैं अपनी माँ से जरूर बात करता हूँ, उनसे एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है जिसके जरिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मैदान भी अगर आप देखें दोस्तों, शिखर धवन रन बनाए ना बनाए, टीम हारे या ना जीते, तो उनका जो फेस एक्सप्रेशन होता है वो ज़्यादा यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता, बस चेहरे पर एक मुस्कान रखते हैं, क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं दोस्तों कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन कुछ लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि वो महिला सिर्फ उनकी वाइफ होगी। जी नहीं दोस्तों, वो वाइफ नहीं, आपकी माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में या किसी और रूप में भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं शिखर धवन की ज़िंदगी में उनको कुछ ना बनने से लेकर बहुत कुछ बनने तक का जो साथ मिला वो उनकी माँ के रूप में मिला। माँ ने हमेशा हर कदम पर साथ दिया, और माँ का प्यार दोस्तों हर बच्चे के साथ होता है, फिर चाहे वो शिखर धवन हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ। तो ऐसे ही कुछ रिश्ता है शिखर धवन और उनकी माँ का, कि शिखर धवन मैच से पहले, मैच खत्म होने के बाद बात जरूर करते हैं। लेकिन आयशा मुखर्जी से क्यों दूरी बनी, क्या रिश्ता यहाँ पर खटास आई, क्या विवाद हुआ, ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क के साथ सवाल का अंत होता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।